नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेल एवं गैस कंपनियों ने गैर रियासती गैस सिलेंडर की कीमत में तगड़ी वृद्धि की है और इसी के साथ अब 60 रुपये प्रति सिलेंडर अधिक भुगतान करना होगा और इसी के साथ कॉमर्शियल सिलेंडर भी 90 रुपये महंगा हो चुका है और ये नई दरें अक्टूबर महीने से लागू हो जाने वाली है। आपको बता दें कि 14.2 किलो वाला गैस गैर रियासती सिलेंडर अब तक 916.50 रुपये में उपलब्ध था, जो अब भाव बढ़कर 976.50 रुपये का हो चुका है और इसी के साथ 60 रुपये की वृद्धि देखी गई है। इसी तरह से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर जो है 1590 रुपये में मिलता था, अब उसके लिए 1681 रुपये आपको चुकाने होंगे, जिसकी कीमत में 91 रुपये की वृद्धि देखी गई है। अक्टूबर में प्रति सिलेंडर रसोई गैस सब्सिडी पर अब 465.17 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी और अब यह राशि जो है घटकर 408.11 रुपये मिल रही थी। अक्टूबर में प्रति सिलेंडर रसोई गैस सब्सिडी अब 465 रुपये मिलेगी और इसी के साथ पहले जो है 408.11 रुपये मिल रही थी। वहीं बात करें रियासती गैस सिलेंडर की, तो पुरानी कीमत 916.50 रुपये थी और नई कीमत हो गई है 976.50 रुपये और पुरानी सब्सिडी जो आपको 408.11 रुपये मिलती थी वह बढ़कर 465.17 रुपये कर दी गई है। और वही बात करें कॉमर्शियल सिलेंडर की, तो पुरानी कीमतें 1590 रुपये प्रति सिलेंडर पर थी, जो अब नई कीमत 1681 रुपये हो चुकी है, जिसमें 91 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं बात करें कॉमर्शियल सिलेंडर की, तो पुरानी कीमतें 1590 रुपये जो थी अब बढ़कर 1661 रुपये हो चुकी है और इसी तरह से 91 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह की काम की खबरों को अपडेट रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।